बी एड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक नंबर 15 करा रहा हूँ, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ इक्विटी एंड जेंडर इक्विटी। जो ये हमारा टॉपिक है इक्विटी का, इसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। इसके छोटे छोटे सब टॉपिक भी आपको डिटेल में करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दीजिए, वीडियो को पूरी देखिए। अगर आप वीडियो को काट काट कर देखेंगे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है पेपर में। इसके क्वेश्चन 4 नंबर में भी आते हैं, प्लस अटैचमेंट के अंदर 16 नंबर के अंदर भी आते हैं। देखिए मेरा मेन मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्या है आंसर 4 नंबर में भी लिख सकते हैं और 16 नंबर के अंदर भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार आता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इक्विटी, जेंडर इक्विटी, टाइप्स ऑफ इक्विटी। चलिए अब ये देख लेते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। मैंने आपको टॉपिक नंबर 14 के अंदर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वेलिटी कराया है। वो टॉपिक कराने का रीजन था, मैं ये चाहता था कि सबसे पहले आपको ये पता चल जाए इक्विटी एंड इक्वेलिटी में फ़र्क क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले एक बार उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखना। ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है जरूरतमंद की मदद करना, फेयर रहना, जस्टिस करना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना। चलिए पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसका वैसे मेन मकसद यही है, जो भरा हुआ है उसको कुछ ना देना, जो खाली है मतलब पिछड़ा हुआ है, गरीब है, उसकी मदद करना, जरूरतमंद की मदद करना ही इक्विटी कहलाता है। जो पहले से भरा हुआ है उसको क्या भरना, जिसको भगवान ने इतना दे रखा है उसको दे के क्या करोगे। जिसको भगवान ने नहीं दिया हुआ, वो प्राकृतिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है और वैसे भी पिछड़ा हुआ है, उसकी मदद करना ही इक्विटी कहलाता है। चलिए पढ़ लेते हैं। इक्विटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शल, ठीक है, एंड टू प्रोवाइड सेम सिचुएशन एंड कंडीशन टू ऑल। इसके अंदर क्या है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको क्या करते हैं, बराबर लाने की कोशिश करते हैं, उनको इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें कितना ही डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ जाए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। द टर्म इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस के लिए बोलते हैं। अब तुम्हारे मन में घूम रहा होगा कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। मैंने डिफरेंस बिटवीन के अंदर अच्छे से पढ़ाया है, आप उसको देखिए जब समझ आएगा आपको। इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग ईच इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। इसके अंदर क्या है, बंदे की जरूरत के हिसाब से ही चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिफरेंट एबिलिटीज और वीकनेसेस आर फाउंड इन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है। इक्विटी इज नीड बेस्ड अप्रोच, बिल्कुल सही बात है। इट जस्टिफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। इक्विटी इज द प्रोसेस, इक्विटी डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट लुक्स एवरीवन डिफरेंटली बिकॉज इक्विटी मीन्स फेयरनेस एंड जस्टिस। इन इक्विटी प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इज नीडिड टू प्रैक्टिस इक्विटी, ठीक है। इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसिस एंड ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द ग्रुप्स। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, और वैसे मेरे को उम्मीद आपको समझ भी आ गया होगा कि इक्विटी क्या होता है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो जरूर समझ आया होगा। इक्विटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसका लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। रिजर्वेशन, हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन है, जिसको कोटा सिस्टम भी बोलते हैं। ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए अलग, और गर्ल्स के लिए अलग, ताकि इन सबको क्या है जनरल वालों के बराबर लाया जा सके, इसलिए ये रिजर्वेशन लाए थे। 1947 से पहले हमारे देश में कोई रिजर्वेशन नहीं था,
उस टाइम भी हमारे देश के अंदर काफी सारे महकमे थे, काफी सारे डिपार्टमेंट थे। ये नहीं है 1947 से पहले भारत ही नहीं था, भारत था। जैसे आज मोदी सरकार राज कर रही है, 1947 से पहले अंग्रेज राज कर रहे थे। वो क्या थे, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते थे, अपने फायदे के लिए डिसीजन लेते थे। जबकि आज के टाइम में मोदी सरकार क्या है, जनता के हित में फैसले ले रही है, बस ये फर्क था। अब रिजर्वेशन आया, सभी कास्ट के लिए अलग अलग बना, एससी ओबीसी एसटी के लिए अलग अलग। ये बना इसलिए था ताकि ये एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप या जो हमारी महिलाएं हैं उनको जनरल वालों के बराबर लाया जा सके उस टाइम पर। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ साथ क्या हुआ, जो ये रिजर्वेशन वाले लोग थे, कुछ लोगों ने काफी तरक्की कर ली, कोठियां गाड़ ली, दुनिया भर की सरकारी नौकरियां लग गई, काफी तरक्की कर गए। लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन नहीं छोड़ा और आज हम इसी का विरोध भी करते हैं। मेरा ये कहना है, रिजर्वेशन क्या है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मतलब जो गरीब तबका है, जिसके पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे तक नहीं है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए जिनके घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है या 150-150 करोड़ की कोठियां हैं। ऐसे को रिजर्वेशन देंगे क्या फायदा। अब हम अपनी दिल्ली एनसीआर की तरफ नज़र घुमा के देखें तो कितनी बड़ी बड़ी कास्ट रहती हैं, उनके 150-150 करोड़ की कोठियां हैं, फॉर्च्यूनर है, फिर भी उन्होंने रिजर्वेशन लिया हुआ है। ऐसे रिजर्वेशन का हम विरोध करते हैं। इसी को बोलते हैं इक्विटी। डिस्क्रिमिनेशन तो है ही कि उनको क्या स्पेशल प्रिविलेज दे दी गई है, स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है रिजर्वेशन देके। लेकिन वो रिजर्वेशन इसलिए दिया ताकि वो जनरल के इक्वल आ सके, इसी को बोलते हैं इक्विटी। ये मेरी ईमेल आईडी है BEd BachelorOfEducation@gmail.com। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है BEd BachelorOfEducation। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो प्लीज मेरे पास मेल कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अब हम टाइप्स ऑफ इक्विटी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर पहला है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या है, थोड़ा थोड़ा इक्वेलिटी के जैसा ही है। जैसे इक्वेलिटी के अंदर करते हैं ना, इक्वेलिटी के अंदर क्या करते थे, सबको इक्वल बांट देते थे। उसमें ये नहीं देखते थे किसको क्या जरूरत है, नहीं, सबको बराबर बांटना है तो बराबर ही बांट देते थे। चलिए पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इक्वल रिसोर्सिस एंड अटेंशन टू बी गिवन टू एवरी वन टू एक्सेस दिस रिसोर्सिस विच आर दे नीड टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एज ह्यूमन बींग। जैसे कि मान लो इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम ही बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, सबको कहा जाए किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चलिए अब आप फार्म भरिए, नौकरी लगिए, उस टाइप से ये है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अब ये सेकंड है वर्टिकल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये देखा जाएगा जरूरत किसको है, किसको इक्वलाइज करने की जरूरत है। अगर मान लो इसके अंदर एग्जाम्पल भी दिया गया है रिजर्वेशन का, अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो ये जो ये एससी एसटी ओबीसी वाले हैं ये कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हमारा समाज ये चाहता है कि जो समाज के अंदर जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब इक्वल रहें, इक्वलाइज करने की कोशिश करी जाती है रिजर्वेशन के थ्रू। मैं यहाँ फिर बोल रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का सपोर्ट करता हूँ। जिनके पास खाने को दाने नहीं है उनको रिजर्वेशन जरूर मिलना चाहिए, जिनके पापा नहीं है शहीद हो गए हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या जिनके घर में आज तक कभी किसी की सरकारी नौकरी ही नहीं लगी है, जो किसान है, किसान के बच्चे हैं, उनके पास 2 टाइम का खाने का खाना नहीं है, उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वर्टिकल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी के अंदर क्या होता है, जरूरतमंदों को चीजें दी जाती हैं और ज्यादा दी जाती हैं ताकि वो दूसरों के बराबर आ सके। डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एड्रेस इन टर्म ऑफ इक्विटेबल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस। बिल्कुल सही बात है, पीपल विद सर्टेन ऑब्वियस डिसएडवांटेज शुड गेट स्पेशल ट्रीटमेंट। सही बात है, एग्जाम्पल है इसका कोटा सिस्टम और द रिजर्वेशन सिस्टम फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर डिसएडवांटेज इन वेरियस वे इन रिलेशन टू जनरल कैटेगरी। चलिए अब हम जेंडर इक्विटी की बात कर लेते हैं। अभी हमने इक्विटी के बारे में पढ़ा, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस जस्टिस इम्पार्शलिटी। अब हम जेंडर इक्विटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जहाँ जेंडर इक्विटी की बात आ गई वहाँ पर बात आएगी वुमेन की और मैन की।
जेंडर का हमें पता है, जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है जिसके अंदर मैन और वुमेन के क्या हैं रोल्स सेट कर दिए गए हैं, उनके रूल एंड रेगुलेशन हमारी सोसाइटी के द्वारा, हमारी फैमिलीज के द्वारा सेट कर दिए गए हैं। अब इसके अंदर इक्विटी कैसे होगी, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना। जेंडर इक्विटी के अंदर बेसिकली होता क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर महिलाओं का इम्पावरमेंट कैसे हो, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं का उत्थान कैसे हो, महिलाओं के जो उनके राइट्स हैं कैसे मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे प्रोवाइड करवाई जाए, इसके बारे में बात करी गई है। यहाँ पर बात करी गई है कि महिलाओं को ज़रूरत है आगे आने की, महिलाओं को ज़रूरत है प्रमोट करने की, महिलाओं को ज़रूरत है उनको परफॉर्मेंस के लिए एक मौका दिया जाए। यहाँ पर ज़रूरत है कि हम क्या है महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करें, मतलब उनको क्या है प्रोत्साहित करें, उनके लिए गवर्नमेंट क्या है तरह तरह की स्कीमें लाए ताकि महिलाएं समाज के अंदर आगे आए, जो हमारी स्टेरियोटाइपिंग टाइप की सोच है उसको ख़त्म किया जाए, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अंदर बेसिकली क्या है महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने की कोशिश करी जाती है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। जेंडर इक्विटी मीन्स फेयरनेस एंड इम्पार्शनैलिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड मैन इन टर्म्स ऑफ राइट्स बेनिफिट्स ओब्लिगेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इट्स मेन फोकस इज ऑन नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन एंड मैन। इसके अंदर ये नहीं है सिर्फ वुमेन के ऊपर ही फोकस किया जाता है, नहीं, मैन के ऊपर भी किया जाता है। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहीं पर इसका फोकस किया जाता है, लेकिन हम सबको पता है महिलाएं सच में हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं पुरुषों से पीछे हैं। लेकिन जिस तेज़ी से समाज बदला है, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। आज आप कहीं भी चले जाएं आपको हर फील्ड के अंदर महिलाएं मिलेंगी। जेंडर इक्विटी आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस एंड ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन वुमेन एंड मैन रोल्स। बिल्कुल सही बात है, जेंडर इक्विटी यही करता है, जो गैप है, जो खाई बना दी गई है हमारे स्टेरियोटाइप लोगों ने, मतलब जो हमारे समाज ने महिला और पुरुषों के बीच में एक खाई बना दी है काम को लेकर, उनके रोल को लेकर, कि लड़कियां ये करेंगी लड़के वे करेंगी, हमें वो खाई भरने की ज़रूरत है। मतलब महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकालने की ज़रूरत है, महिलाओं को क्या है पर्दे से बाहर निकालने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी महिलाओं को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें कामयाब करें, उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो क्या है इससे बेसिकली होगा कि अगर महिलाएं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, इट लुक्स, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, इट लुक्स एवरीवन डिफरेंटली वेदर इट्स मैन और वुमेन। इक्विटी मीन्स फेयरनेस एंड जस्टिस एंड इम्पार्शनलिटी। बिल्कुल सही बात है, इक्विटी के अंदर होता ही क्या है ये सबको क्या है अलग अलग नज़र से देखता है, वो ये इक्वालिटी की तरह ये नहीं देखता कि सबको बराबर दे दो, नहीं, ये क्या है सबको देखता है, एनालाइज करता है, उसके बाद ही चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, चाहे हमारे रिसोर्सेज हैं चाहे अलग कोई भी चीज़ है। जेंडर इक्विटी मीन्स फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर वुमेन एंड मैन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नीड। बिल्कुल सही बात है, दिस मे इंक्लूड इक्वल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट डेट इज डिफरेंट बट विच इज कंसिडर इक्वलेंट इन टर्म ऑफ राइट बेनिफिट ओब्लिगेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। ऑल बैरियर टू इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन शुड बी एलिमिनेटेड। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आया होगा जेंडर इक्विटी क्या होता है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आपको इस जो मैंने ये पैराग्राफ लिखा है इसके अंदर कोई लाइन समझ नहीं आ रही है या आपको अच्छी नहीं लग रही है या आपको गलत लग रही है, तो आप उस लाइन को काट सकते हैं, प्लस अपना मटीरियल भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या है रिलेटेड होना चाहिए इसी टॉपिक से। ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे साथ।